गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप अध्ययन गुरु क्लास में बायो मालिक्यूल्स को क्लियर कर रहे थे रुबैद आलम के द्वारा, और आपको बायो मालिक्यूल्स में हम अभी तक पढ़ा चुके थे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, इसी यूनिट में प्रोटीन्स को क्लियर किया था, अमीनो एसिड को क्लियर किया था, हार्मोन्स को क्लियर किया था। आज हम बायो मालिक्यूल्स में बात करते हैं एंजाइम्स के बारे में। जनरली आपने एंजाइम्स के बारे में बहुत कुछ सुना है, और एक्चुअली बायोलॉजी में एंजाइम्स को आप लगातार पढ़ते भी रहते हैं, तो हमारे माइंड में ये रहता है कि एंजाइम कोई बायोलॉजी से जुड़ा हो सकता है लैंग्वेज, लेकिन ऐसा नहीं है। एंजाइम्स भी एक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और जो एंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, इन्हें प्रोटीन्स में ही रखा जाता है। फर्स्ट कंडीशन ये होती है स्पेसिफिक प्रोटीन, राइट। तो हम कह सकते हैं कि सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते हैं। अभी हार्मोन्स भी बताया था, हार्मोन्स भी प्रोटीन्स होते हैं, तो एंजाइम भी प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडीज में टिशू होते हैं। इन टिशू में ये एंजाइम्स पाए जाते हैं, और जो टिश्यूज के अंदर एंजाइम्स रहते हैं बॉडी के अंदर, ये कैटालिस्ट का वर्क करते हैं। किसका वर्क करते हैं? कैटालिस्ट का। चूंकि कैटालिसिस प्रोसेस को आपने क्लियर भी किया था सरफेस केमिस्ट्री में, कैटालिस्ट के बारे में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैटालिस्ट कोई भी रिएक्शन होती है उसकी रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो उसी तरीके से हमारी बॉडीज के अंदर, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हम फूड मटेरियल्स का यूज करते हैं, ये फूड मटेरियल्स अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद में फिर ये बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, तो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है तो जैसा कि जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स पहुंचा, विटामिन्स पहुंचा, प्रोटीन्स पहुंचा है, तो इसे डाइजेस्ट करने की जो रेट होती है उस रेट में इंक्रीजिंग लाते हैं एंजाइम। तो एंजाइम कैटालिस्ट होते हैं, तो इन्हें केमिकल एंजाइम्स को बायो केमिकल कैटालिस्ट कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? बायोकेमिकल कैटालिस्ट। तो यहां पर आपका एक क्वेश्चन रहता है, बायोकेमिकल कैटालिस्ट कौन होते हैं? तो हमारा आंसर क्या रहता है? बायोकेमिकल कैटालिस्ट एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि ये बॉडीज के अंदर चाहे जितने भी लिविंग फैक्टर्स हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके अंदर ये कैटालिस्ट का लगातार वर्क करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक बहुत छोटी सी बात हम यहां पर कर देते हैं कि जब हम फूड मटेरियल्स को ग्रहण करते हैं तो जो हमारे अंदर सलाइवा, जिसे हम लोग लार कहते हैं, लार में सबसे पहले एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है टाइलिन। आपने सुना होगा कि टाइलिन एंजाइम लार में मिलता है, तो ये क्या करता है कि फूड मटेरियल्स की जो स्टार्च होती है उस स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, तो ये एंजाइम्स है। इसी तरीके से प्रोटीन पहुंचा है, कार्बोहाइड्रेट्स पहुंचा है, तो इसे डाइजेस्ट करने के लिए बॉडीज के अंदर आपने देखा होगा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, रेनिन, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो ये लगातार अपना वर्क करते रहते हैं। तो हमने बताया है कि एंजाइम्स जो होते हैं, थर्ड पॉइंट अगर इनका यहां पर हम देखें तो इनकी नेचर स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक नेचर। अब स्पेसिफिक नेचर क्यों होती है? जैसा कि आप कैटालिस्ट को क्लियर करते हैं, तो कैटालिस्ट में क्या बताया जाता है कि एक प्रोसेस के लिए एक ही कैटालिस्ट यूज में लाया जाता है, सारे सबस्टेंस एक प्रोसेस में कैटालिस्ट नहीं हो सकते। इसी तरीके से एंजाइम भी स्पेसिफिक होते हैं, जो एंजाइम प्रोटीन्स को पचा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, वो एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाला अलग एंजाइम है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला अलग एंजाइम होता है, तो ये स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। जैसे यहां पर देख लीजिएगा कि जब हम रोटी के टुकड़े को मुंह में पहुंचाते हैं तो वहां पर कौन एंजाइम आता है? रोटी में पहली चीज होती है क्या चीज? स्टार्च। अब यहां पर प्रेजेंटी मिलती है किसकी? एंजाइम की, जिस एंजाइम का नाम है टाइलिन।
कौन एंजाइम है? टाइलिन एंजाइम। अब ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है, यहां पर जो स्टार्च होती है इस स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में। तो टाइलिन क्या है? एंजाइम है। और यहां पर किसका काम कर रहा है? यहां पर वर्क कर रहा है टाइलिन कैटालिस्ट का, राइट। इसी तरीके से आपके पास में सुक्रोज है, सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम, ये किसमें चेंज कर देता है सुक्रोज को? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। किसमें चेंज करता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज है, एक एंजाइम होता है जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम, ये इथाइल एल्कोहल में से चेंज कर देता है। किसमें? इथाइल एल्कोहल। जो आपने इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन किया था, आपने जब इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन सुक्रोज से किया था तो वहां पर इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम यूज किए गए थे। और ध्यान रखिएगा डियर, इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम दोनों कहां से मिलते हैं? ये दोनों फंजाई से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? फंजाई से ये दोनों एंजाइम्स मिलते हैं, फंजाई, फंजाई। और फंजाई की कौन सी स्पीसीज होती है? ईस्ट। कौन सी स्पीसीज होती है? ईस्ट। तो ये एंजाइम्स होते हैं, तो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अंदर की सारी रिएक्शन इन्हीं के द्वारा प्रोड्यूस होती रहती हैं। जो अंदर हमारे बहुत सारे मटेरियल्स पहुंचते हैं उन्हें लगातार ये डाइजेस्ट करते रहते हैं। तो यहां पर आपको क्लियर हो रहा है, एंजाइम्स अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो एंजाइम भी एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज में बताया कि एंजाइम बायोकेमिकल कैटालिसिस होते हैं, एंजाइम नाइट्रोजन युक्त बहुत अधिक मॉलिक्यूलर वेट वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, एंजाइम्स के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर की भी जरूरत रहती है। इनके लिए जो टेम्परेचर होता है ये ज्यादातर वर्क करते हैं 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के इंटरवल में, यहां पर इनका सबसे ज्यादा वर्क बना रहता है। तो ये एंजाइम्स आपका क्लियर होता है। तो एंजाइम में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है आप उसे यहां पर आकर के कमेंट्स बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। तो एंजाइम्स के साथ में अब नेक्स्ट इसी में बायो मॉलिक्यूल्स में हम बात करते हैं विटामिन्स के बारे में। नेक्स्ट बायो मॉलिक्यूल्स विटामिन्स। विटामिन्स के बारे में आप 9th, 10th, फर्स्ट ईयर इंटर बहुत सारी क्लासों में लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं विटामिन्स। विटामिन्स भी केमिकल होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स जो बॉडीज में पाए जाते हैं। और विटामिन्स की जो प्रेजेंटी होती है वो प्रेजेंटी हमारी बॉडीज को बिल्कुल सिस्टम में बनाए रखती है। और कभी कभी क्या होता है कि विटामिन्स की जब बॉडीज में कमी होती है तो बहुत सारे डिसीज पैदा हो जाते हैं। तो जो डिसीज पैदा होते हैं वो डिसीज बॉडीज के अंदर विटामिन्स की कमी से मिलते हैं। तो विटामिन्स बे केमिकल, बे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स माने जाते हैं जो बॉडी के अंदर इनकम्प्लीट डिसीज पैदा होते हैं, जिन्हें इनकम्प्लीट डिसीज कहा जाता है। उन डिसीज को दूर करने में जो केमिकल यूज में लाए जाते हैं उन्हीं को विटामिन्स कहा जाता है। तो जनरली विटामिन्स जो भी हम फूड मटेरियल्स लेते हैं उसी फूड मटेरियल से हमें बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं। अब तो बहुत सारे विटामिन्स की यहाँ पर हम लोगों को जानकारी भी हो चुकी है। कुछ जनरल विटामिन्स के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। एक्चुअली विटामिन्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक तो विटामिन सॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, दूसरे विटामिन बे जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो विटामिन वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो फैट्स में अनसॉल्युबल रहते हैं, फैट्स में अनसॉल्युबल होते हैं। और जो विटामिन्स वाटर में अनसॉल्युबल होते हैं तो ये विटामिन्स क्या होता है? फैट्स में सॉल्युबल होते हैं। किसमें सॉल्युबल होते हैं? फैट्स में।
सॉल्युबल इन फैट्स। तो ये फैट्स में सॉल्युबल होते हैं, तो दो ग्रुप्स में इन्हें हमने जनरली डिवाइड कर लिया है। तो सबसे पहले यहां पर चलते हैं सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर में सॉल्युबल विटामिन्स केवल दो होते हैं। कितने होते हैं वाटर में सॉल्युबल विटामिन? दो, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी, इसे बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। इसे बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है कि इस ग्रुप में अब तक बहुत सारे विटामिन क्लियर किए जा चुके हैं। यहां पर जो बी कॉम्प्लेक्स है, यहां पर बहुत सारे विटामिन देखे जा सकते हैं। विटामिन बी वन होता है, विटामिन बी टू होता है, विटामिन बी थ्री होता है, इसी तरीके से विटामिन बी ट्वेल्व होता है। बहुत सारे विटामिन यहां पर आते हैं। तो इन विटामिन के की पूरी फैमिली बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानी जाती है। और जनरली जो विटामिन बी है, इसकी जब बॉडीज में कमी रहती है तो इसकी कमी से जनरली रोग, जो डिसीज पैदा होता है, उसे कहते हैं बेरी बेरी। और भी सारे डिसीज होते हैं, लेकिन मेन डिसीज जो यहां पर होता है कमी से, वो क्या होता है? बेरी बेरी डिसीज, बेरी बेरी रोग यहां पर विटामिन बी की कमी से बना रहता है। इसके बाद में हम आते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये एक तरीके का एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका फार्मूला C6H8O5। जनरली ध्यान रखिएगा, जो विटामिन सी होता है, जितने भी आपके खट्टे फूड मटेरियल्स होते हैं, उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि नींबू है, संतरा है, नारंगी है, मौसमी है, इन सब में कौन सा विटामिन मिलता है सबसे ज्यादा परसेंट में? वो विटामिन होता है सी। अब विटामिन सी की अगर बॉडीज में कमी हो जाती है, तो जो हमारे दांत होते हैं, उन दांतों से धीरे धीरे ब्लड आने लगता है, जिसे कहते हैं एस्कर्वी रोग। तो यहां पर कमी से जो रोग पैदा होता है, उस रोग का क्या नाम है? एस्कर्वी रोग। तो ये कहां पर होता है? मसूड़ों में, जिसे जनरल लैंग्वेज में हम लोग पायरिया भी कह देते हैं, एक तरीके का पायरिया होता है। तो ये दो विटामिन आपके किसमें आ गए हैं? वाटर में सॉल्युबल। इसके बाद में कुछ ऐसे विटामिन हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो जो विटामिन वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, उसमें ए डी ई के, ये सारे विटामिन यहां पर आते हैं। अब विटामिन ए जिसे जिसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, और इसका मोलिकुलर फार्मूला C20H29OH, ये इसका मोलिकुलर फार्मूला होता है। इस विटामिन की कमी से जो डिसीज होता है, उसे कहते हैं रतौंधी। इससे कौन सा डिसीज होता है? रतौंधी। रतौंधी का मतलब होता है ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई नहीं देता है। इस विटामिन विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी जो डिसीज है, इससे हमें रात में क्या होता है? नहीं दिखाई देता है। इसके बाद में विटामिन डी, जो विटामिन डी होता है, इसे जनरली कैल्सीफेरॉल, इसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल, और इसका फार्मूला होता है C28H44O। और इसकी कमी से जो रोग उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स, ये यहां पर डियर हम इनके रोग डिसीज क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि डिसीज ही ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर आपके सामने पूछ दिया जाता है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा डिसीज होता है। रिकेट्स, रिकेट्स का मतलब होता है कि सूखा रोग, कमजोरी हो जाना, हाथ पैरों की जो हड्डियां होती है वो कमजोर पड़ती रहती हैं। जनरली इस विटामिन को इसलिए, और ध्यान रखिएगा कि जो विटामिन डी है, ये सनलाइट से भी मिलता है। किससे मिलता है? इसका एक सोर्स होता है सनलाइट। वैसे तो हमने बताया कि सारे विटामिन आपको फूड मटेरियल से मिलते हैं, जो भी खाने पीने की चीजें होती हैं, लेकिन विटामिन डी के बारे में यहां पर यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि सनलाइट से हमें कौन सा विटामिन मिल सकता है। तो सनलाइट से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। ये सनलाइट में होता नहीं है, लेकिन जब हमारे ऊपर जो सन की रेज होती है, जब ऊपर गिरती आकर के है, तो बॉडी में इस विटामिन को प्रोड्यूस कर देती है। इसके बाद में नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा विटामिन ई, जिसे हम लोग कहते हैं, केमिकल नेम देते हैं टोकोफेरॉल, C29H50O2। टोकोफेरॉल जो विटामिन होता है, इस विटामिन की कमी से जो डिसीज आता है,
कमजोर जनन क्षमता, जिसे कहते हैं नपुंसकता। ये जो विटामिन होता है इससे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं, तो कमजोर सेक्स ऑर्गन्स को हम लोग जनरल लैंग्वेज में नपुंसकता के नाम से भी जानते हैं। तो ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई। इसके बाद में नेक्स्ट विटामिन है के, जिसे कहते हैं फाइलोक्विनोन। इसका जनरल फार्मूला होता है C31H46O2। तो विटामिन ई की कमी से जो डिसीज होता है इसे हेमरेज, किसके नाम से जानते हैं? हेमरेज। और इसे हिंदी की लैंग्वेज में कहते हैं रुधिर का थक्का ना बनना, थक्का ना बनना। मतलब कहने का यहां पर अर्थ यह है कि जो हमारे अंदर जब बॉडी में चोट वगैरह लग जाती है तो चोट लगने से लगातार ब्लड बहता रहता है और जो भी पर्सन होता है वो खत्म हो जाता है। तो इस डिसीज को दूर करने के लिए किस विटामिन की जरूरत होती है? विटामिन के। इसी तरीके से नेक्स्ट विटामिन एच भी डिस्कवर किया जा चुका है। अभी जनरली एच की बहुत सी नॉलेज नहीं क्लियर होती है, लेकिन यह माना जाता है कि जो बालों का झड़ना डिसीज होता है ज्यादातर बाल झड़ते हैं विटामिन एच की कमी से। तो डियर, ये सारे विटामिन जो हमने यहां पर बताए हैं ये आपका एक ऐसे टाइप से भी आता है, और ऐसे नहीं आया तो आप ये नोट कर लीजिएगा इंटरमीडिएट के क्लास में इनमें से कोई एक विटामिन आपका ऑब्जेक्ट में जरूर पूछा जाता है। या तो उस विटामिन की डिसीज पूछी जाएगी या डिसीज दे दिया जाएगा तो पूछा जाएगा किस विटामिन के की वजह से ऐसा होता है। तो विटामिन किसी भी कंपटीशन में आप बैठते हैं, कोई भी कंपटीशन आप सेलेक्ट कर लें, तो यहां तक के बड़ी से बड़ी कंपटीशन में भी आप पहुंच जाए तो वहां पर भी एक विटामिन का क्वेश्चन आपके सामने बना रहता है। तो विटामिन के सोर्स, जैसा कि हम लोग जानते होंगे कि विटामिन हमें मिलेंगे कहां, तो विटामिन हमें मिलेंगे खाने पीने की सारी चीजों में विटामिन मिलते हैं, जो भी फूड मटेरियल्स हैं उन सब में विटामिन मिलते हैं। बस यहां पर इतना ध्यान रखिएगा कि सनलाइट से जो विटामिन मिल रहा है वो विटामिन डी है, फूड मटेरियल से तो मिलता है, साथ में क्या चीज देखनी है यहां पर? सनलाइट देखनी है। और दूसरी चीज यहां पर यह ध्यान रखनी है विटामिन सी के लिए कि जितने भी खट्टे मटेरियल्स होते हैं उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। तो खट्टी चीजों की बात कर दी जाए तो विटामिन सी, और सनलाइट की बात कर दी जाए तो विटामिन डी, इसके अलावा किसी भी फूड मटेरियल्स की बात की जाए तो सारे विटामिन यहां पर रहते हैं। तो ये आपको यहां पर विटामिन का एक नोट्स यहां पर अध्ययन गुरु क्लासेस की ओर से क्लियर किया गया है। अब बायोमॉलिक्यूल्स में नेक्स्ट आपका यूनिट यहां पर उठाया जाएगा न्यूक्लिक एसिड। अब हम क्लियर करेंगे कि बहुत सारे हमारे अंदर करेक्टर्स जो हमारे पेरेंट्स से आते हैं जिन्हें हम जनरली न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और आपने नाम सुना है कि उसमें डीएनए आरएनए, तो ये भी केमिकल होते हैं, बायोकेमिकल्स हैं। अभी तक हम क्या जानते थे कि ये बायोलॉजी में है, तो ये कोई बायोलॉजी में एनिमल्स हो सकते हैं, कोई बायोलॉजी में प्लांट्स हो सकते हैं। नहीं भाई, नहीं, बायोलॉजी में है क्योंकि बायोलॉजी में लिविंग फैक्टर्स पढ़ते हैं, लिविंग फैक्टर्स को चलाने के लिए जो केमिकल की जरूरत पड़ती है उसी में न्यूक्लिक एसिड भी एक बायो मॉलिक्यूल्स होता है। तो बायो मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट वीडियोज में आपको हम क्लियर करते हैं। थैंक यू।